हेलो दोस्तों, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश खान, आपका दोस्त। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरा जो चैनल है टैक्स से रिलेटेड है और मैं इस पर आपके लिए बहुत कमाल कमाल के वीडियो लाता हूं जो कि ईमो से व्हाट्सएप से रिलेटेड रहती है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है आज आपको मैं बताता हूँ ईमो के जो कि एड फ्रेंड है, जो कि एडमी फ्रेंड होते हैं, उनको किस तरीके से परमानेंट डिलीट करने हैं और ईमो में जो नए अपडेट आए हैं, काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे अपडेट हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। और ईमो में बताऊंगा जैसे कि किसी का डाटा, यानी कि आपका एक कोई फ्रेंड है, उसके कॉन्टेक्ट, उसके SMS डिलीट हो गए, उसके फ़ोटो पिक्चर डिलीट हो गई है, तो उसको किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था फुल डाटा, यानी कि आपका अनलिमिटेड डाटा किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। पर कुछ भाई के मेरे पास कमेंट आए, उन्होंने पूछा कि भाई मुझे ये बताना कि यार किसी एक ही बंदे का हमें डाटा रिकवर करना है तो किस तरीके से करते हैं, उसके फ़ोटो वीडियो डिलीट हो गए हैं तो वो मुझे डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा कि आप एक बंदे के किसी के भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, क्योंकि आप जानते ही हो मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाती है, तो लाइक ज़रूर करना। तो नॉर्मल हम अपनी ईमो में ऑन हो गए हैं, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैंने लास्ट वाली वीडियो में तो बताया था ना ईमो के किस तरीके से ये जो स्टोरीज है डिलीट करनी है, पर मैं अभी आपको बताता हूँ एडमी फ्रेंड। तो हम चलते हैं अपने ईमो अकाउंट में। तो हमें यहाँ पे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जर्नल में जाने के बाद बैकअप, ये चीज़ जो थी ईमो में थी पर अपडेट नहीं आया था, अब अपडेट हो गया। और ये कहा सभी की ईमो में अभी नहीं आया होगा, अपडेट कर लेना। तो बैकअप है, ये बैकअप पे आपको क्लिक करना है। बैकअप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपके पास काफ़ी सारे बैकअप आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ट्राई किया बैकअप तो यहाँ पे मैंने दो जिसका बैकअप लिया वो बिल्कुल कंफर्म हो गया, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैंने अपने ही फैमिली के बैकअप लिए, यानी कि दो फैमिली के बैकअप लिए, तो वो कंप्लीट हो गए, बिल्कुल शो हो गए, बिल्कुल जो कि जितने फ़ोटो डिलीट थे और वीडियो वो सारी रिकवर कर ली थी मैंने। तो वो मैंने रिकवर करने के बाद तब ये वीडियो बना रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा ग्रुप है, ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली से मैंने ये जो है रिकवर करे हैं, क्योंकि मैं किसी और का रिकवर नहीं कर रहा, अपनी फैमिली के रिकवर करके चेक किए हैं मैंने, तो कंप्लीट हो गए, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे कि ये टिक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे टोटल यहाँ पे हो जाएंगे शो, जिसका भी आपको डाउनलोड करना है, जिसका भी डिलीट हो वो भी हो जाएगा। यानी कि वो अगर जी आपका कॉन्टैक्ट में नहीं भी है ना, आपके एडमी में है, या आपने कभी उसके फ़ोटो डिलीट करे थे याद भी नहीं, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपको बस इस तरीके से टिक करना है, जैसे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल कौन बंदा है, ये दिलदार, जानता तो नहीं हूँ मैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर जो है वाईफाई ऑनली का जो बटन है, इसे जो है यहाँ से इस तरीके से ऑन करना है। ये वाईफाई से ही होगा डाउनलोड, ये भी ध्यान रखना, किसी का हॉटस्पॉट्स लेके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे यहाँ से ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है स्टार्ट क्लिक कर देना। ऊपर स्टार्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऊपर जो है नोटिफिकेशन आने लगेगा एक तीर का, डाउनलोडिंग का। तो वो डाउनलोडिंग मुश्किल से 4-5 मिनट, जितनी भी MB होगी, यानी कि आपके जितनी वीडियो थी काफ़ी सारी, तो थोड़ा टाइम ले लेगा, वो मैं नहीं कह सकता, आपके नेट के ऊपर डिपेंड है कितना लेगा। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो 1x1 डाटा। और अब कुछ मैं बता देता हूँ जो कि काफ़ी भाई के मेरे पास सवाल भी आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कॉल के ऊपर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कॉल के ऊपर, जो कि हमारी प्राइवेसी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइवेसी है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको बताई भी नहीं थी और बता भी रहा हूँ। ये जो है एडमी फ्रेंड, यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट ब्लॉक कॉन्टैक्ट के बाद जो है मेथड फॉर एडमी, तो ध्यान रखना दोस्तों। कहाँ जाना है आपको, सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आपके सारे प्राइवेसी जो थे वो ऑन हो जाएंगे। तो आपको जो है कॉन्टैक्ट के पास जो है मेथड फॉर एडमी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी आपके एडमी फ्रेंड होंगे टोटल वो यहाँ पे हैं, देख सकते हो मेथड फॉर एडमी, आप जो है ये सब ऐसे होंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो ये ऐसे होंगे। तो आपको जो स्टोरीज देखनी है, स्टोरीज फ्रेंड और फ्रेंड, मैंने एक तरीका आप लास्ट वाली वीडियो में बताया था, वैसे यहाँ से भी है तरीका, तो दो तरीके ये हो गए हैं। तो आप यहाँ से ये हटा देना, ये कर देना। रिसेंटली विजिटर, यानी कि आपकी प्रोफाइल कौन देखता है, विजिट करता है, वो भी आप यहाँ से हटा देना। प्रोफाइल शेयर, कौन शेयर कर रहा है तुम्हारी, तो वो भी हटा देना, कोई शेयर नहीं करेगा। और यहाँ पर है
माई प्लांट, क्योंकि ये अभी मैं बताऊँगा माई प्लांट क्या है, ये अभी जो है आने वाला है, क्योंकि अभी ये ईमो बीटा में आया है, नॉर्मल ईमो में नहीं आया माई प्लांट, तो ये ईमो बीटा में आया, तो यहाँ पे जो है इसको भी आप इसे कर देना, और यहाँ पे फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्रोफाइल इसको भी आप हटा देना। वो बाकी आपके ऊपर बात है, आप क्या दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं, सो मेरा काम है दोस्तों आपको बताने का, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये दो चीज़ें जो हैं, ये माई प्लांट ये जी चीज़ है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ माई प्लांट कहाँ है, क्योंकि मेरे पास ये जो है ईमो है, ईमो बीटा नहीं है, तो मैं ईमो बीटा में भी बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ईमो बीटा में बताऊँगा माई प्लांट का जो है क्या ऑप्शन है, तो वीडियो को जो लाइक कर देना बस। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, लास्ट सीन का, अवतार का, रिसेंटली का, यानी कि ये है सबसे इम्पोर्टेंट कॉल का, ये कॉल का, यानी कि आपको मैंने वीडियो में भी बताया था पर फिर दोबारा भी बता रहा, एवरीवन, यानी कि मैंने यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक कर रखा, तो कोई बंदा भी मुझे अनोन भी जो जानता नहीं पहचानता नहीं मेरा नंबर से मेरे पास ईमो पर कॉल कर सकता। और यहाँ पर जो है माई कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट कर रखा था मैंने चेक करने के लिए, माई कॉन्टैक्ट कर रहा था मैंने चेक करने के लिए, और मेरे पास फिर कॉल आई किस बंदे की, तो वो यहाँ पे शो हो रही है, देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड है 3+ नज़र आ रहा है, तो इस बंदे की कॉल आई, यानी कि उसकी उसने कॉल मुझे की पर मेरे पास कॉल नहीं आई, क्योंकि ये मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं था बंदा, समझ रहे हैं मेरी बात, जिसको मैं कॉन्टैक्ट में चाहता हूँ उसको कॉन्टैक्ट में रखूँगा, उसकी ही कॉल मेरे पास ईमो पर आएगी, मैं नहीं चाहता कि किसी अदर बंदे की कॉल आए जिसे मैं नहीं जानता, यानी कि अननोन नंबर से कॉल ना आए। तो ये जो है मैंने चेक किया, इस बंदे ने मुझे कॉल करी तो मेरे पास कॉल नहीं आई, पर इसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सेफ हो गया, ये सेफ हो गया यहाँ पे। और तो मैंने जो है यहाँ पे करा था सिर्फ माय कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कर दोगे आप ये टिक, यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट, तो सिर्फ वही कॉल आएगी आपके पास जो आपके कॉन्टैक्ट में है, बाकी अदर कॉल आपके पास नहीं आ सकती। और आप एवरीवन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एवरीवन में तो आपको पता ही है नोबॉडी वाला कोई भी कॉल कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। तो सिर्फ फिलहाल मैं आप जो है एवरीवन कर रहा है, क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी कॉल आती है आप भाइयों की, क्योंकि यूट्यूबर हैं छोटे से भाईजान, तो इसलिए आप भी भाई कॉल कर देते हो कुछ पूछने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि आप मैं माई कॉन्टैक्ट में करूं और आप मेरा नंबर ऐड करें और वहां से फिर मेरे पास कॉल ना आए और फिर इस तरीके से मैं देखूँ यार इस भाई ने कॉल करी थी तो आपको परेशानी हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर एवरीवन पे कर रहा हूँ। आप कोई भी कॉल कर सकता है, आपको पता ही है मेरा नंबर, और नहीं पता तो खैर मैं शो कर रहा हूँ ईमो पे, आप देख लेना चेक कर लेना, ये मेरा नंबर है यहाँ पर आई हेट लव, और फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर है ये जो है ऐड कर लो, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, ईमो पे कभी भी कॉल कर सकते हो। और वैसे भी यकीन नहीं आ रहा तो देख सकते हो यहाँ पे भाई ने मुझे किया है जो आपको यूट्यूब पे कांटेक्ट किया था, ये भाई ने अभी जो है मुझे कांटेक्ट किया है, तो इनका मैंने अभी रिप्लाई नहीं दिया, तो इंशाल्लाह मैं ये वीडियो बनाने के बाद मैं रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना यार, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ पर लाइक बहुत कम आते हैं यार, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो। माशाल्लाह से ईमो की हर चीज़ से वाकिफ आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि ईमो जो है इतना बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है कि ये व्हाट्सएप की टक्कर पे है अभी, आपको भी पता है व्हाट्सएप और ईमो जो है सेम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं वर्ल्ड में, क्योंकि कोई बंदा ऐसा होगा जिसके मोबाइल में ईमो ना हो और आपको ईमो की जानकारी ना हो तो प्रॉब्लम है। ईमो में पता है काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे आ गए कि आप ईमो पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो ईमो से किसी पे भी फ्री में, ये भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि अभी मैंने बताया था क्या ऑप्शन है ईमो बीटा में आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।